पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश ने और कहर ढा दिया है। दिल्ली में शीतलहर से लोगों का बुरा हाल है। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के चलते उड़ानों पर असर पड़ा है। ये आपको श्रीनगर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, काजीकुंड की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहां पर जमकर स्नोफॉल हो रहा है और लगातार स्नोफॉल होने की वजह से जो वहां के निवासी हैं, रहने वाले हैं, उनकी परेशानी इन दिनों और ज्यादा बढ़ जाती है। ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है, पानी के लिए उन्हें बर्फ को पिघलाना पड़ता है। और ये देखिए चारों तरफ आपको बर्फ की मोटी परत नजर आएगी और लगातार आसमान से, हालांकि रुई के फाहे की तरह ये लगता है देखने में तस्वीरों में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिन लोगों ने भी स्नोफॉल को खुद जाकर महसूस किया है, खास करके मैदानी इलाके के लोग, वो इस बात को समझ सकते हैं कि देखना जितना खूबसूरत लगता है, वहां पर लगातार जो लोग रहते हैं, जो वहां के निवासी हैं, ये समय उनके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि ऐसे समय में हर तरफ बर्फ ही बर्फ होने की वजह से घर से चलना मुश्किल, घर से बाहर निकलना मुश्किल। घरों में भी आपको हमेशा अलाव या फिर कुछ वहां पर कांगड़ी वो लोग जलाते हैं, उसके साथ वो लोग घरों से निकलते हैं, बड़ी मुश्किल से घर से निकल पाते हैं। ऐसे में पानी पीने के लिए भी उनके लिए आफत हो जाती है, बर्फ को पिघलाकर किसी तरह से वो पानी पीते हैं। हाँ, जो पर्यटक बेशक वहां पर गए हैं, ये देखिए तीन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए काजीकुंड की तस्वीर जहां पर आप देख रहे हैं लगातार बर्फबारी हो रही है, वैष्णो देवी में भी जमकर बर्फबारी हो रही है इस बीच वहां पर। लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो भी लगातार नए साल से जो जाने की शुरुआत वहां पर हुई है, हालांकि पूरे साल जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी में खास करके वहां पर लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। और इस बीच औली की तस्वीरें, उत्तराखंड की तस्वीरें देखिए, पूरी तरह से आपको सिर्फ सफेदी नजर आएगी हर तरफ, चाहे वो घर हो, मकान हो या फिर ये दरख्त हो, हर चीज आपको बर्फ से ढकी हुई नजर आएगी। ये नजारा जितना खूबसूरत है उतना ही वहां के लोगों के लिए मुश्किल भरा समय होता है, क्योंकि जब दूर दूर तक आपको बर्फ ही बर्फ नजर आए और कुछ भी नजर ना आए, ऐसे में बाहर निकलना और रोज की जिंदगी बेहद मुश्किल हो जाती है। ऐसे दिनों में लोग कई कई दिनों तक अपने ही घरों में रहने को मजबूर हो जाते हैं। और ये वैष्णो देवी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, हालांकि माता के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु हैं उनके लिए मौसम कोई बाधा नहीं होती है, क्योंकि 12 महीने यहाँ पर चढ़ाई होती है, श्रद्धालु यहाँ पर जाते हैं, माता के दर्शन करते हैं। लेकिन इस वक्त वहां की तस्वीरें देखिए, लगातार बारिश और बर्फबारी इन इलाकों में लोगों की मुसीबतें बढ़ाते हुए, ये देखिए किस तरह से लगातार यहां भी आप तस्वीरें देखें, कई हिस्सों में जबरदस्त यहां पर बर्फबारी हो रही है जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में। और ये माता वैष्णो देवी का दरबार आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें जो कि बेहद खूबसूरत है, उत्तराखंड के औली की तस्वीरें दिखाते हैं। हालांकि औली, अब तक आपको जैसा पता हो कि औली विंटर स्पोर्ट्स के लिए काफी फेमस है, काफी जाना जाता है, खास करके यहाँ पर विंटर्स में यानी कि सर्दियों के दिन में अलग से स्पोर्ट्स का आयोजन होता है, राज्य सरकार यहाँ पर आयोजन करती है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरा इलाका जो है वो बर्फ की सफेद चादर में ढक चुका है, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें आपको हम औली की दिखा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये देखिए जो आपको सामने में एक झील भी दिख रही होगी वो भी पूरी तरह से जम चुकी है, क्योंकि लगातार इन इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। Oh, Marty.